हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है, ये उन लोगों के बारे में है जो अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना पसंद करते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं उनके अंदर बहुत सारी खासियतें पाई जाती हैं। अब ये आप भी जानते हो कि इस दुनिया में अब तरह तरह के लोग होते हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने दोस्तों के साथ हर समय टाइम पास करना पसंद करते हैं। उन्हें खाली समय मिला और वो दोस्तों के साथ निकल गए घूमने के लिए। कुछ ऐसे हैं कि फैमिली पास में बैठी है, दोस्त पास में बैठे हैं, रिश्तेदार पास में बैठे हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल में ही लगे हुए हैं। अब आप किस तरीके के पर्सन हैं ये तो आप ही जानते होंगे। तो लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है उन लोगों के बारे में जो अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना पसंद करते हैं। और विश्वास कीजिए, ऐसे लोग उन लोगों की तुलना में जो फालतू में दोस्तों के साथ टाइम पास करना पसंद करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खासियतें होती हैं इनके अंदर। तो आज हम इनकी खासियतों के बारे में जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो आज हम इनकी खासियतों के बारे में जब मैं बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें भी अकेले रहना चाहिए। तो पहली खासियत इनके अंदर, जो पहली खासियत होती है, ये होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होते हैं। अब ये क्रिएटिव क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? जो इंसान अकेले रहना शुरू कर देता है, जिसको अकेले रहना पसंद आने लगता है, वो खुद को जानने लगता है, क्योंकि उसके पास टाइम पास करने के लिए कोई और तरीका तो है नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ तो फालतू घूम नहीं रहा, तो वो खुद को जानने लगता है, वो खुद से बातें करने लगता है। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने कोई ऐसी खासियत दी है जो सबसे अलग हटकर होती है। किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, किसी को डांस का शौक होता है, किसी को गेम खेलने का शौक होता है, किसी को ड्राइंग करने का शौक होता है। अब जब आपको टाइम ही नहीं है अपने दोस्तों से, तो आपको कैसे पता कि हम आपके अंदर क्या खासियतें हैं? इसके लिए आपको अकेले रहना पड़ेगा। जब आप अकेले रहोगे तो आप खुद को समझोगे, खुद से बातें करोगे, और आप टाइम पास करने के लिए वो काम करोगे जो आपको पसंद है। जैसे आपने कोई चीज़ लिखनी शुरू कर दी, आपने कोई कविता लिखना शुरू कर दिया, कोई स्टोरी लिखना आपने शुरू कर दी, अब वो आपको खुद को अच्छी लगने लगेगी। जब आपको खुद को अच्छी लगने लगेगी तो आप धीरे 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 आप उसको सुधार करोगे, और विश्वास करो, आप एक दिन नेक्स्ट लेवल पर खेलोगे। तो ऐसे इंसान जो अकेले रहते हैं वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो इंसान अकेले रहता है वो अकेले ही सारे निर्णय लेने की क्षमता रखता है। उनको पता है कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कोई अच्छा काम होता है तो कभी कोई गलत भी हो जाता है, लेकिन उनसे बाहर कैसे निकला जाए ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तीसरा होता है सेल्फ कंट्रोल। इनका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप खुद ये सोचो कि जो इंसान अकेला है वो अपने ज़िंदगी में अपने तरीके से काम करेगा। उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है वो जानता है। उसका दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उसका कोई अगर ये कह दे ना कि चल मूवी देखने चल रहे हैं, तो साफ मना कर देगा, नहीं मुझे और भी काम है। वो पूरी तरीके से उसका खुद पे कंट्रोल है, उसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पहला पॉइंट क्रिएटिव होता है, दूसरा मेंटली स्ट्रांग होता है, तीसरा हो गया सेल्फ कंट्रोल। अब बात आती है चौथे पॉइंट की। जो बंदा अकेले रहना सीख जाता है, उसका जो एटीट्यूड होता है वो दूसरे की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसे कहते हैं किंग एटीट्यूड। आपने देखा होगा जंगल में बाघ हुआ, शेर हुआ, ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले चलते हैं। तो इनके अंदर जो एक नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, जो उनका एटीट्यूड होता है ना, एक नेक्स्ट लेवल का होता है, उसे हम किंग एटीट्यूड कहते हैं। उनको पता है कि मुझे अकेले चलना है, मैं अकेला इस काम को कर सकता हूँ, मुझे किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा इंसान कभी मत खाएगा? एक तो होता है एटीट्यूड और एक होता है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, केवल एटीट्यूड होना चाहिए इंसान के अंदर। तो इनके अंदर किंग एटीट्यूड होता है। जो इंसान अकेले जीना सीख जाता है वो सब कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा, इनका जो माइंड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो कुछ होता है वो इनका, इनकी लाइफ होती है, इनका फ्यूचर होता है। इनका केवल सीधा सिद्धांत होता है कि मुझे अपने भविष्य में आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन पर काम करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है।
ऐसे लोग अकेले अकेले मस्त रहते हैं, जिस चीज़ में इनका मन लगता है ये केवल वो काम करते हैं। जिम जाएंगे, गाने सुनेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखेंगे, ड्राइंग करेंगे, जिस चीज़ में इनका मन करेगा। और इनका सीधा सिद्धांत ये है रिलैक्समेंट रहने का कि अगर आप आ गए तो वेलकम और चले गए तो भीड़ कम। इस सिद्धांत पे ये लोग काम करते हैं। तो ये अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत रखते हैं, रिलैक्स रहते हैं पूरी तरीके से। छठा होता है इनका पॉइंट सेल्फ रेस्पेक्ट। जो इंसान अकेला रहता है ना, इसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। उसको भी पता है कि आज हम दोस्तों के बीच में घूमेंगे और दोस्तों के बीच में बिना गाली दिए कोई बात होती नहीं है। वो आज तुमको गाली देगा, तुम कल उसको गाली दोगे, तो रेस्पेक्ट नहीं, तो कुछ रही नहीं। तो ऐसा इंसान अकेले रहना पसंद करता है, ना कि झुंड में। वो अपने ऊपर वर्क करता है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। वो भेड़ चाल के बीच में फंसना नहीं चाहता, वो सबकी तरह आम नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अकेले रहता है। तो जो लोग अकेले रहते हैं उनके अंदर छह खासियत कौन कौन सी हो गई? पहली, ये लोग औरों की तुलना में क्रिएटिव होते हैं। ये अपनी खासियतों को पहचानने लगते हैं कि मेरे अंदर क्या खासियत है। दूसरा, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होंगे। तीसरा, इनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा बहुत ज़्यादा। अपने ऊपर इनकी इतनी अच्छी कंट्रोल पावर होती है, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये अपने ऊपर डिसाइड करके चलते हैं। ये इनका खुद का निर्णय होता है कि मुझे क्या करना है, कोई और इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हो गया। चौथा हो गया किंग एटीट्यूड। इनका राजाओं जैसा अपना खुद का एटीट्यूड होता है, अकेले हैं मस्त रहते हैं। और ऐसा इंसान खुद तो मोटिवेट होता ही है, दूसरे जो डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको भी मोटिवेट कर देता है। उनका नेतृत्व करने की क्षमता होती है इनके अंदर, उसे कहते हैं किंग एटीट्यूड। पांचवा हो गया रिलैक्स माइंड। इनका दिमाग पूरी तरीके से शांत रहता है, आप आ गए तो वेलकम और चले गए तो कोई बात नहीं। हम हैं, अकेले हैं, मस्त हैं, जैसे हैं अपने जी रहे हैं। तो इनका अलग लेवल का खेलते हैं ये लोग। और छठा होता है इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट। ऐसा इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मानता है, मतलब मेरे को अपनी रेस्पेक्ट इनको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो ये इनके अंदर छह क्वालिटी पाई जाती हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपने आप को समय दीजिए, खुद को पहचानिए, आगे बढ़िए जीवन में, इस भेड़ चाल से बाहर आइए। फालतू में आप भी टाइम पास करना बंद कीजिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। आप भी जब अकेले रहोगे, खुद को पहचानोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जब आप अकेले ही रहोगे, आप फालतू में टाइम पास करते रहोगे, आपके पास टाइम ही नहीं हो खुद को पहचानने का, आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? अकेले रहना सीखो, मस्त रहोगे आप, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जो लोग अकेले रहते हैं उनको भी ये पता चल गया होगा कि मैंने एक भी बात गलत नहीं कही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।